आकाश बिना बताए कहाँ चला गया? I'm sorry, जागृति। कहीं आकाश जागृति को सॉरी बोलने चित्ता बस्ती तो नहीं चला गया? कहाँ गया? जी जी माँ जी। हम पूछे कहाँ गया आकाश? वो बाथरूम मतलब गुसल खाने गया है। आकाश का पेट खराब है। अच्छा, तो तुम यहाँ खड़ी का कर रही हो? धोना तो सिखा दी हो ना बेटे को? तो फिर पुत्र प्रेम में पति धर्म मत भूल जाओ। जाओ जाके काली कान को रास्ता परोसो। जी माँ जी, आप चलिए, हम आते। क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बता दी क्या इनको कि आकाश घर में नहीं है? कम से कम ये ढूंढ तो लाएंगे उस बीहड़ जंगल से। बेचारा पता नहीं कहाँ होगा। बहुत बढ़िया बहुरिया, काली को जूस दो ना। जी माँ जी। या फिर थोड़ी देर रुक जाए, शायद आकाश खुद ही आ जाए। कम से कम इनके प्रकोप से तो बच जाएगा। इनको बता दिए तो पता नहीं क्या सजा देंगे उसको। बकचोनर देवी, क्या कर रही हो? बाहर आ गई हो क्या? माफ कर दीजिए, वो गलती से। एक भी मौका नहीं छोड़ती हो हमारे बेटे का मूड खराब करने का। माफ कर दीजिए, गलती से हाथ हिल गया। हम खुद ही उठा के देख लेते कि कहाँ छुपाया है इसमें। दादा, टोकरी उठाया तो मुर्गा भाग जाएगा। दादा के आते तो शेर भी रुक जाता है, ये मुर्गा कहाँ है भागेगा? कैसे भागेगा? ये क्या किया तुम लोगों ने? दादा, वो हम आपको बताने ही वाले थे कि इतना कमजोर मुर्गा ना दावा तुम्हें लगेगा का? तो पहली बार मुर्गा पकड़े वो भी इतना कमजोर, कैसे बनेगी चित्ता? बच गए जग्गू नन्हे शल का मुर्गा कैसे बन गए? सुपरमैन मूव था, बचिया। हे
लेकिन सुपरमैन को अब फ्लैश बनने का टाइम है। घर पहुंचने में देर हुई, पापा मुझे पनिशमेंट देंगे ही, मम्मी को भी बहुत परेशान करेंगे। जग्गू, हमको बहुत ही डर लग रहा है क्योंकि इस मुर्गे को वापस से ननेशल कर कैसे मनाएंगे। अरे बुद्धू, एक नो जादू वाला खेल थोड़ी ना है जो आदमी को मुर्गा बना दे मुर्गा को आदमी। अरे नन्हे सरकार मौका देखकर ही एक टोकरी के अंदर से भाग गए और टोकरी के अंदर मुर्गा डाल गए, ना वो पकड़े गए ना हम, समझी? अच्छा, वो तो नन्हे सरकार है ना, कुछ कर सकते है वो नन्हे सरकार है, इसलिए नहीं वो शिक्षा लेते है और इसलिए उनका बुद्धि सही समय पर चला और सही काम के लिए भी चला। अरे वाह, तब तो शिक्षा बहुत ही अच्छी चीज है। हाँ कचौड़ी, ये बात तो हम कितने दिन से पूरी बस्ती को बता रहे हैं। ये सब की छोड़ना, तू जाके जल्दी से शिक्षा ले ले। एक बार बिंदिका की सतीलिया माँ बन गई ना तो फिर कुछ नहीं करने देगी जग्गू। सही कह रही है कचौरी, अगर बिंदी माँ से मेरी सौतेली माँ बन गई तो वो हमको नई शिक्षा पाने देगी। हम जल्दी से हवेली जाकर नन्हे सरकार से सब शिक्षा पा लेंगे, अगर देर हो गई ना तो हम शिक्षा कभी नहीं पा पाएंगे। तू ना नन्हे सरकार को अपना गुरुजी बना ले और उनके जैसा बुद्धि वाली बन जा। आकाश, ये तुम बाहर से कहां से आ रहे हो, कहां गए थे? पापा, वो मैं गौशाला में गया था। दादी आपने तो कहा था कि पेट दर्द में ये कच्चा दूध पीने से ठीक हो जाता है, वही लेने गया था। अरे मूर्ख, पी तो नहीं लिए ना? अरे कच्चा दूध कब्ज के दर्द में काम आता है, पेट खराब में नहीं। अरे हाँ दादी, पीने दो पीने दो, फिर हर जगह पॉटी करते फिरेगा। सूरज, आकाश, ये दूध का तुमने खुद निकाला है? हाँ पापा, मैंने दूध निकाला। वो चित्ता लड़की दूध निकाल सकती है तो मैं क्यों नहीं। तनी संभालो अपने लाडले को, पता नहीं कब का करता है।